तो अभी जस्ट उनको ड्रॉप किया है एंड सब गए हैं अभी. मॉम को बहुत बुरा लग रहा था, ऑब्वियसली बुरा लगेगा ही. एंड कोई बात नहीं, हम लोग वापस से मिलेंगे. एंड वापस से मिलेंगे मतलब छठ में तो हमें जाना ही है, एंड उसके बाद फिर मिलेंगे, फिर आ जाएंगी. तो ठीक है, बहुत मतलब ये कि आदत हो जाती है ना, इतने टाइम तक यहाँ पे थी और बहुत सारी हम लोग तो गप्पे मारते थे. अब मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाई हमारी, क्योंकि बहुत मज़ेदार वाली गप्पे होती थी हम लोगों की. गप्पे, डिस्कशन, गंभीर बातें, गंभीर डिस्कशन. और बहुत बार बहुत चीज़ों में ये भी होता था, ऑब्वियसली हम लोग दोनों के बहुत बार थॉट्स मैच नहीं करते थे और मैं अपनी पॉइंट बात रखती थी, वो अपना बात बोल देती थी. लाइक हेल्दी डिस्कशन, लाइक यू नो, जैसे मैं मेरी मम्मी के साथ मेरा होता है बहुत बार, हम डिस्कस कर रहे होते हैं. तो हाँ, अब वो डिस्कशन मिस करूँगी. फोन पे वो बात नहीं होती है, सामने बैठे बैठे जो होता है तो बड़ा मजा आता था. सो लुकिंग सो टायर्ड. इट्स नहीं ले रही आपको कैमरा में. ओके फाइन, ही विल किल मी अगर मैंने टायर्ड लुकिंग फेस पे ऐसा ज्यादा लिया तो. बट ठीक है, सो या मिलते हैं बहुत जल्द. एंड लव यू एवरी वन. एंड मैं क्या बोलूँ, चलो अभी हम निकल रहे हैं, उनको ड्रॉप किया, मुझे जल्दी से हमें घर पहुंचना है. जोनी की मस्ती बहुत मिस करेंगी मॉम. बार बार वो था पूरी गाड़ी में, यही था, मैं वो कैप्चर नहीं कर पाई क्योंकि लेट हो रहा था. तो हम लोग को जल्दी 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 मैं ड्राइव कर रही थी. जोनी जिस तरह से गुड गुड नाइट डैडी ऐसा कहते हैं, गुड नाइट डैडी. सो ठीक है, तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को. एंड मेरे साथ ना ये हो जाता है, मैं बहुत ज्यादा इमोशनल मोमेंट को कैप्चर नहीं कर पाती, फिर मैं उसी में बह जाती हूँ. तो फोन लगा के मैं कैसे वो कैप्चर करूँ. तो थोड़ा बहुत ही जितना हम लोग मिल रहे थे, सब किसी को पिकचप करने जाते हैं ना, जब कितनी एक्साइटमेंट होती, जब देखा होगा जब आ रही थी मॉम तो कितनी एक्साइटमेंट में, इशू जब आ रही थी कितनी एक्साइटमेंट थी हम लोग के अंदर. कभी मॉम के लिए से फ्लावर्स लेकर गए थे, इशू के लिए उनके पसंद की चीज़ें लेकर गए. अभी जाते वक्त कितना अजीब लगता है, मतलब जब छोड़ने आते हैं तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता किसी को भी, अब जब अजीब सा लगता है. सो एनीवेज, बस अभी वही घर जाके नॉर्मल रूटीन. बाय. हेलो गाइस, मैं यहाँ पे चाची के बिहाफ में ये वीडियो बना रही हूँ बिकॉज वो अभी यहाँ पे है नहीं और हम लोग फ्लाइट लेने के लिए आए हैं. हमारी वाराणसी की फ्लाइट जो है वो थी 5:35 की, बट वो डिले हो गई है बाय 2 आवर बिकॉज ऑफ रेन ऑल्सो, हैवी रेन. एंड ड्यू टू ऑल्सो देर वॉज सम एयरक्राफ्ट इंसिडेंट हैपेंड, सो उसकी वजह से भी रनवे जो है वो क्लोज कर दिया गया था. और अभी ये बोला जा रहा है कि हमारी जो फ्लाइट है वो अहमदाबाद से आ रही है एंड इट हैवेंट टेकन ऑफ येट. वो अभी 10 से 15 मिनट में टेक ऑफ करेगी, तो वहाँ से वो अभी टेक ऑफ करेगी. इट मीन्स करेंटली इट्स 8:00 एंड यहाँ पे वो आएगी 9:00 तक. अभी हम लोग को मेल भी आया है काता की तरफ से कि हमारी जो फ्लाइट है वो 9 बजे आएगी एंड टेक ऑफ होगी 10 बजे, जो कि हम लोग का अब अराइवल टाइमिंग हो गया है वाराणसी में 12:00 रात का. सो या अभी मैंने पूछा है, सो लेट्स सी व्हाट विल हैपन, व्हाट विल नॉट. अभी देखते हैं अभी क्या होता है. अभी हम लोग को पक गया है बहुत इधर बैठे बैठे. दादी आप कुछ बोलना चाहेंगी? दादी का सर दर्द हो रहा है, इवन हम सबका सर दर्द हो रहा है. इधर कुछ ये फैन एसी वगैरह चल रहा है जिस वजह से बहुत ज़्यादा सर में दर्द हो रहा है. मैंने भी ये ले लिया, अभी लिया ये भांग के इनसे. सो लेट्स सी क्या होता है. एंड या सो बहुत ही जद्दोजहद के बाद वी हैड अ सेफ लैंडिंग. वी आर इन वाराणसी नाउ. हमारी फ्लाइट जस्ट लैंड हुई, अभी हम बाहर आए सामान लेके. या वी आर सो टायर्ड, भी बस ऐसा है कि घर जाए और बस सो जाए. तो